नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन दिनों कुछ और ही चल रहा है। दरअसल इन दिनों चल रहा है बड़प्पन दिखाने का खेल। अब किसका चल रहा है, बात करते हैं सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट की जब भी बात होती है तो अशोक गहलोत के साथ होती है कि अशोक गहलोत के साथ उनका मनमुटाव है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे करके सचिन पायलट खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अशोक चांदना जब अपने प्रभारी क्षेत्र में, जो उनको जिले मिले हैं, उस क्षेत्र में गए और वहां जाकर लोगों की समस्या जानने लगे, तो उस दौरान कुछ लोग वहां आए और उनको घेर कर उनसे सवाल करने लगे। उस समय जो अशोक चांदना है वो बात कर रहे थे समस्याओं की, कि उस क्षेत्र की क्या समस्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसका निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें जो खेल के लिए कुछ उन ग्राउंड थे और उसके अलावा पानी की समस्या थी, जो आम समस्या है, आम जनजीवन से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन इसी बीच एक शख्स वहाँ आता है और इन्हीं के बीच एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि जब वो शख्स वहाँ आता है तो कोई कैमरा भी चालू रहता है, मोबाइल का कैमरा। तो बाकायदा कह सकते हैं कि पूरा एक पहले से तय की हुई पूरी सी बनाई हुई रणनीति थी, जिसके बाद वो शख्स वहाँ आया और उसने अशोक चांदना से पूछना शुरू किया कि उन्होंने सचिन पायलट के साथ गद्दारी क्यों की। इस जवाब के जब ये सवाल आया तो उसके बाद चांदना ने सभी को, जब और लोग इसका विरोध करने लगे कि इस समय इस तरह की भाषा क्यों उपयोग में लाई जा रही है, तो चांदना ने सभी को शांत कराया और उसके बाद उस शख्स की पूरी बात सुनी। तो वो बोलते हैं कि आपने सचिन पायलट के साथ गद्दारी क्यों की और आपने ऐसा क्यों किया कि आप हमारे समाज से अलग गए। तो इस पर अशोक चांदना ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। अशोक चांदना ने कहा कि मैंने गद्दारी नहीं की, मेरा अगर मैं समाज के साथ खड़ा रहता, आपका जैसा कहना है कि मुझे सचिन पायलट के हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था, तो क्या मुझे मेरी ही सरकार गिराने में सहयोग करना चाहिए था। इस जवाब के बाद आसपास में खड़े हुए कई लोग उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे और उस शख्स को एक तरफ करने की कोशिश की गई। अब इस घटना के बाद, जैसे ही ये घटना सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे काफ़ी वायरल किया गया और उसके बाद सवाल खड़े किए गए, अलग अलग तरह की बातें की गई। कुछ लोगों का कहना था कि सचिन पायलट के समर्थकों ने अशोक चांदना को आईना दिखाया, वहीं अशोक चांदना के समर्थक कह रहे थे कि इस तरह का बिहेवियर बहुत गलत है। लेकिन एक जो आम जनता की एक जो फीलिंग आई, आम जनता की जो भावनाएं आई, उसमें सबसे मेन सवाल यही था कि क्या सचिन पायलट ऐसा करके अशोक चांदना को कम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर क्या गुर्जरों के एकमात्र नेता माने जाने वाले सचिन पायलट, जो हमेशा गुर्जर नेता होने की दुहाई देते हैं, अब उनके मन में भी अशोक चांदना से थोड़ा सा डर आने लगा है, क्या उनके मन में भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज आने लगी हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। वही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आला दर्जे का नेता, जो किसी से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक चुका है, ऐसा नेता बात करता है अशोक चांदना से ऊपर या नीचे होने की, अशोक चांदना बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की बात क्या सचिन पायलट और उनके समर्थकों को शोभा देती है। और बात दूसरी अगर समाज की हो, तो जो अशोक चांदना है वो भी उसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में अपने ही समाज के नेता की, जो उन्हीं के जनता से मिलने गया था, उन्हीं की जो समस्या हैं उनको खत्म करना चाहता है, उनका निस्तारण करना चाहता है, युवा नेता है, अब एक नेता को तवज्जो देने के लिए दूसरे नेता का अपमान करना क्या समाज को शोभा देता है, और क्या उस नेता का अपमान उस समाज का अपमान नहीं है जिसके लिए उन्होंने इस तरह के शब्द उपयोग लिए हैं। तो कई सवाल खड़े होते हैं। गुर्जर जो समुदाय है, अब ऐसा लग रहा है कि इस मसले पर दो भागों में बंटता नजर आ रहा है, एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ अशोक चांदना। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ चंद लोगों की कार्यस्थानी है जो वहां जाकर माहौल खराब करना चाहते थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये आक्रोश है समाज में, जो कि जिस तरह का माहौल बना था, क्योंकि लोगों का कहना है, जो एक ये विशेष समुदाय हमेशा से कहता रहा है कि इन्होंने जो वोट दिए थे वो सचिन पायलट को देखकर दिए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब इस तरह की वारदात आती है, इस तरह की घटना आती है, उसके बाद एक सवाल तो लाजमी है कि मुख्यमंत्री क्या किसी एक समाज का होता है या सभी समाजों का होता है। मुख्यमंत्री होता है हर समाज को साथ लेके चलने वाला। तो ऐसे में क्या ये जो आपसी फूट अब शुरू हुई है खुद एक समाज में, गुर्जर समाज में, जो अशोक चांदना और सचिन पायलट को बांट रही है, या फिर सचिन पायलट को ऊपर
दिखाकर अशोक चांदना को गिराना चाहते हैं, जो अपने ही समाज के एक उभरते हुए युवा और प्रतिभावान नेता को दबाना चाहते हैं, उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या ये समाज के चंद लोगों की कार्यस्थानी हो सकती है, या फिर ये पूरी एक रणनीति के तहत किया गया कार्यक्रम है जिससे कि इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए और अशोक चांदना को कम दिखाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आज भी गुजरों में सचिन पायलट की ज़्यादा पैठ है। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की जो ये वायरल होते हैं वीडियोज़ या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उससे नुकसान छोटे नेता को नहीं होता, उससे नुकसान होता है उस नेता को जो बड़ा है और बड़े जो टक्कर ले रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, और खुद जिसकी दावेदारी है मुख्यमंत्री की सीट, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के किसी ज़माने में खास बताए जाते हैं, और ऐसे में उनकी टक्कर, वो एक टक्कर ले रहे हैं युवा नेता से जो अभी एक प्रतिभावान नेता है और अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक ही बात आती है कि बड़ों को बड़प्पन खुद ही रखना चाहिए, तभी उनकी इज्जत हो पाती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।